नगर पंचायत अध्यक्ष पद के दावेदार आरिफ अंसारी ने समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव को माल्यार्पण कर किया सम्मानित। आपको बता दें, मछली शहर कस्बा अंतर्गत उमराना वार्ड में नगर पंचायत अध्यक्ष पद के दावेदार प्रत्याशी ने खुसूसी प्रोग्राम रखकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं वार्ड सभासदों को बुलाया था। इसी क्रम में मुन्ना सभासद को प्रदेश सचिव नियुक्त किए जाने पर आरिफ अंसारी ने खुशी का इजहार करते हुए माल्यार्पण कर सम्मानित भी किया। आए हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जलपान कर उनका भी स्वागत किया। आपको बता दें, आरिफ अंसारी धीरे धीरे नगर में अपनी पहचान बना रहे हैं और समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और विधानसभा चुनाव पर समाजवादी पार्टी की सीट मछली शहर से जिताने की मेहनत भी कर रहे हैं। इस मौके पर दा हसन सभासद कौसर रब्बानी, मुन्ना सभासद शेरू सभासद अकबर सभासद सहित आदि लोग उपस्थित रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। रहा 24 न्यूज जौनपुर रिपोर्ट। हफीज नियामत पत्रा। सर, आपका शुभ नाम क्या है? मोहम्मद आरिफ अंसारी। सर, जैसा कि आज आपके आवास पर मुन्ना सभासद जी का स्वागत समारोह रखा गया है, तो किस लिए रखा गया? हमारे मुन्ना भाई को प्रदेश सचिव बनाया गया, इसी खुशी में हम लोग यहाँ उनको सम्मानित कर सम्मानित किया। जैसा कि अल्पसंख्यक विभाग का प्रदेश सचिव बनाया गया, जैसा कि आगामी विधानसभा चुनाव में जो है किस तरीके से मुन्ना भाई तैयार हैं, आपकी पार्टी तैयार है, आप तैयार हैं चुनाव के लिए, इस पे आप थोड़ा सा रोशनी डालिए। मुन्ना भाई पहले भी तैयारी बहुत अच्छी थी, अब और भी ज्यादा अच्छी हो गई। अब हम लोगों को काम करने में बहुत मजा आएगा, मजबूती से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। कैसा महसूस हो रहा है, जैसा कि हमारे मछली शहर कस्बे में इस तरीके के कोई किसी को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई थी, जैसा कि पहले शख्स ऐसे हैं जो कि पुराने सपाही हैं, इन्हें जिम्मेदारी दी गई, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी हुआ, बहुत अच्छा महसूस हुआ, इसी खुशी में हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक आखिरी सवाल ये, जैसा कि नगर पंचायत का चुनाव जो है उसमें आप भी दावेदारी कर रहे हैं, फेसबुक और सोशल मीडिया के जरिए से हम लोगों को पता चला है, तो इस पे थोड़ा सा रोशनी डालिए। पहले हम 2022 चुनाव जीत लिया जाए, उसके बाद देखा जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। मुन्ना जी, जैसा कि आपको प्रदेश का जिम्मेदारी दी गई है, अल्पसंख्यक विभाग का प्रदेश सचिव बनाया गया है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है और आप अपनी जिम्मेदारियों को किस तरीके से निर्वहन करेंगे, इस पे थोड़ा सा रोशनी डालिए, हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले मैं मोहम्मद आरिफ अंसारी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया, इन्होंने अपने आवास पर बुलाकर और मोहल्ले के जिम्मेदार और समाज के जिम्मेदार और सम्मानित लोगों के बीच मेरा माल्यार्पण करके मेरा स्वागत किया, इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर उसके बाद मैं अपने वरिष्ठ साथी डॉक्टर हसन साहब, इश्तियाक अहमद कल्लू साहब, कौसर रब्बानी साहब और तबरेज साहब, राकेश और तमाम ऐसे लोगों ने जिनकी कोशिश जिनकी मदद से ये संभव हो सका, जिन्होंने हौसला मेरा बढ़ाया। मैं पिछले 4 दिनों से लखनऊ में रुका रहा, इन लोगों ने फ़ोन के माध्यम से पत्र के माध्यम से मेरा हौसला बढ़ाया और कई लोगों ने समर्थन पत्र भी लिखा। अकबर सभासद जी यहाँ बैठे हुए हैं, शेरू सभासद बैठे हुए हैं, इन लोगों ने पत्र भी लिख के मेरा समर्थन किया, मेरा हौसला बढ़ाया। इन्हीं लोगों के साथ मिलके मुझे काम करना है और इनका नेतृत्व रहेगा, पीछे मैं रहूंगा और सब लोग साथ मिलके 2022 की लड़ाई लक्ष्य हासिल करने के लिए काम करेंगे। अपनी विधानसभा में अपने विधायक को जिताना है, अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना है, इसी में सबका सम्मान है, इसी में पद का महत्व है। क्या इस बार जो है आगामी विधानसभा चुनाव में, जैसा कि बीजेपी की लहर है और समाजवादी पार्टी जो है बहुत ही तेजी से प्रचार प्रसार कर रही है और विपक्ष की भूमिका निभा रही है, तो क्या मछली शहर की सीट आप लोग जिताने में कामयाब हो पाएंगे? देखिए, पहली बात तो बीजेपी की कोई लहर नहीं है, लहर समाजवादी पार्टी की है। आप पत्रकार हैं, आप भी तमाम प्रोग्राम कवर करते हैं, आप जहां देख रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जा रहे हैं, किस तरह से बिना बुलाए बिना किसी आमंत्रण के लाखों लाख लोग वहां जुट रहे हैं,
इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है। उसी कड़ी में मछली शहर विधानसभा भी आती है, तो मछली शहर विधानसभा हम लोग 20,000 वोटों से जीतने का लक्ष्य हम लोगों ने बनाया हुआ है और हमको और तमाम क्षेत्र से मिल रहे समर्थन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हम इस लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेंगे। सर, पूरे प्रदेश में कितनी सीट जीतने की आपकी उम्मीद है? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब एक लक्ष्य दे दिया है तो हम अदना से कार्यकर्ता अलग से कोई बयान नहीं दे सकते कि हम कितनी सीटें जीत रहे हैं। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विश्वास है, जो उनका बयान है कि हम लोग 350 से 420 सीट जीतेंगे, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये बयान है तो एक एक कार्यकर्ता का यही बयान है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है उसमें सच्चाई है, वो लक्ष्य। जैसा कि आपकी पार्टी अगर जीतती है तो किन मुद्दों को लेकर आप काम करेंगे? देखिए, मुझे तो अल्पसंख्यक विभाग में सचिव बनाया गया है। मेरी जिम्मेदारी है कि माइनॉरिटी में अल्पसंख्यक समुदाय के बीच में घर घर जाकर उनके बीच में किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो, लक्ष्य के प्रति उनके मन में कोई भटकाव ना हो और सीधे सरकार बनाने के लक्ष्य पे माइनॉरिटी वोट करे और बीजेपी की जो सोच है, जिस जहन से बीजेपी काम कर रही है, उस जहन को समझते हुए पार्टी के पक्ष में 100% माइनॉरिटी का मुस्लिम का वोट जाए, हम लोग यही प्रयास करेंगे। ठीक है सर, आप यहाँ पर आरिफ अंसारी जी के आवास पर उपस्थित हैं, तो सर क्या मकसद है, आप क्यों उपस्थित हुए? उपस्थित इसलिए है कि हमारे जो है आल मोहम्मद जो है प्रदेश के अल्पसंख्यक के महासचिव बनाए गए हैं और आरिफ भाई के निवास पर ये प्रोग्राम रखा गया है और इसी खुशी में हम लोगों ने क्या नाम है मुन्ना भाई को और सारे लोगों को जो है मुबारकबाद देते हैं। मुबारकबाद देने के लिए आप लोग? जी, मुबारकबाद देने के लिए। और सबसे बड़ी खुशी ये है कि हमारे जो है मित्र थे डॉक्टर वसीम हसन, उनका इन्होंने दोबारा जो है नाम रोशन किया है। पार्टी के लिए जो ये इन्होंने कदम उठाया है उस पर ये अमल करेंगे, हमको पूरी उम्मीद है। हम लोग इनके साथ हैं, सारी टीमें इनके साथ रहेंगी, सारी टीम लग के इनका साथ देंगी और इनके लिए इनके साथ काम करेंगे। जैसे कि आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं और समाजवादी में आपकी काफ़ी पहचान है और आज जो है आपके साथी और मोहम्मद सभासद जो हैं उनको प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है और जो है आपको कैसा महसूस हो रहा है और आप यहाँ पर क्यों उपस्थित हुए हैं? सर थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए। देखिए, मैं इश्तियाक अहमद कल्लू खां पूर्व चेयरमैन नगर पंचायत मछली शहर, मैं आज यहाँ जो उपस्थित हुआ हूँ आरिफ साहब के मकान पे, मुन्ना साहब को जो प्रदेश अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जो सचिव बनाया गया है, उस संबंध में नगरवासियों ने इनके आवास पे एक स्वागत समारोह के रूप में एक रखा है और जिसमें मोहल्ले के और कस्बे के और भी लोग, सम्मानित लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं प्रदेश के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शकील अहमद नदवी साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने मछली शहर के अवाम का सम्मान बढ़ाया है। ये आउन मोहम्मद का सम्मान नहीं है, ये मछली शहर की अवाम का सम्मान है और मैं वादा करता हूँ और पूरा हमें विश्वास है कि जिस जिम्मेदारी को आपने आउन मोहम्मद साहब को दिया है उसको बखूबी ये अंजाम देंगे और समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं इनके साथ लग करके जो है शाना बसाना इनका सहयोग करेंगे और इस चुनाव में, आने वाले चुनाव में, मैं फिर आपसे ये कहना चाहता हूं कि 2022 के चुनाव में यहां के की सीट माननीय मुखिया जी के गोद में हम लोग जीत करके देंगे और जगदीश सोनकर को विधायक बना करके मछली शहर का सम्मान, विधानसभा का सम्मान बढ़ाएंगे। इसी के साथ मैं जितने भी यहाँ लोग आए हुए हैं हमारे समाजवादी परिवार के जितने लोग उपस्थित हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और ये वादा करता हूँ कि आप लोग लग करके जितने भी लोग हैं समाजवादी पार्टी को तो जिताएं और पार्टी का कार्य करें। धन्यवाद सर। शुभ नाम क्या है और आप यहाँ पर क्यों उपस्थित हुए? जी, मेरा नाम कौशल रब्बानी, पूर्व सभासद नगर पंचायत। हमारे मित्र मोहम्मद मुन्ना साहब
इस वक्त उनका स्वागत समारोह चल रहा आरिफ अंसारी मकान पर, हम लोग इनको बधाई देने के लिए। सर, जैसा कि आपके मित्र जो हैं उनको प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? हम लोग बहुत खुश हैं, यहाँ सारे कार्यकर्ता बैठे हुए सब खुश हैं और नगर के सारे लोग खुश हैं, क्योंकि एक युवा की जिम्मेदारी मिली है, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और इनकी इच्छा भी प्रदेश स्तर तक शासित करने की, हम लोग इनका पूरा सहयोग करेंगे, तन मन धन से इनके साथ हैं। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी किस तरीके से आप लोग कर रहे हैं? आगामी विधानसभा तैयारी 2012-17 से अच्छा इस बार 2022 में हो रहा है। हम लोग माननीय जगदीश शंकर जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट, मान लीजिए 20,000-25,000 हम लोग का लक्ष्य जिताने का, इंशाल्लाह जिताएंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। शुभ नाम क्या है और आप यहाँ पर क्यों उपस्थित हुए? जी, मेरा नाम कौशल रब्बानी, पूर्व सभासद नगर पंचायत। हमारे मित्र और मोहम्मद मुन्ना साहब, इस वक्त उनका स्वागत समारोह चल रहा आरिफ अंसारी मकान पर, हम लोग इनको बधाई देने के लिए। सर, जैसा कि आपके मित्र जो हैं उनको प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? हम लोग बहुत खुश हैं, यहाँ सारे कार्यकर्ता बैठे हुए सब खुश हैं और नगर के सारे लोग खुश हैं, क्योंकि एक युवा की जिम्मेदारी मिली है, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और इनकी इच्छा भी प्रदेश स्तर तक शासित करने की, हम लोग इनका पूरा सहयोग करेंगे, तन मन धन से इनके साथ हैं। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी किस तरीके से आप लोग कर रहे हैं? आगामी विधानसभा तैयारी 2012-17 से अच्छा इस बार 2022 में हो रहा है। हम लोग माननीय जगदीश शंकर जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट, मान लीजिए 20,000-25,000 हम लोग का लक्ष्य जिताने का, इंशाल्लाह जिताएंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। नाम क्या है और आप यहाँ पर क्यों उपस्थित हुए हैं? मेरा नाम राकेश कुमार यादव है। हमारे बड़े भाई आरिफ भाई अंसारी के यहाँ छोटे से प्रोग्राम हुआ है यहाँ आवास पर, और ये हमारे मुन्ना बड़े भाई साहब का जो इनका सम्मान किया जा रहा है, यहाँ प्रदेश के जिम्मेदारी दी गई, अल्पसंख्यक सचिव बनाए गए हैं और ये नयुवकों का साथ भी देते हैं, साथ के साथ साथ बुजुर्गों का सम्मान भी करते हैं और हम सभी नगर पंचायत वासियों का भी बहुत अच्छे तरीके से ख्याल वार्तालाप भी करते रहते हैं, और इसलिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूँ और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हम लोगों के बीच में से किसी एक को, हीरो को निकाल के इन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और सभी यहाँ बड़े भाइयों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। धन्यवाद सर।